दोस्तों, राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साल का आखिर होते होते सभी पार्टियां अपने अपने काम पे लग जाएंगी, तैयारी शुरू कर देंगी। ऐसे में देखिए, जाहिर है कि राजस्थान के सत्ताधीन पार्टी कांग्रेस के लिए चुनौतियां तो बढ़ने वाली हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना कांग्रेस कैसे करेगी, ये दिलचस्प होगा। ऊपर से देखिए, कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी मौका जरूर तलाशेगी कि किस तरीके से कांग्रेस को हराया जाए। यही कारण है दोस्तों कि बीजेपी को पटकनी देने के लिए कांग्रेस ने नया प्लान तैयार किया है, खेल भी बोल सकते हैं आपको, जिससे खेला हो जाए। गहलोत साहब ने बीजेपी को हार का मुंह दिखाने के लिए महाराणा प्रताप वाला प्लान बना लिया है दोस्तों। अब महाराणा प्रताप वाला प्लान क्या है, ये इस खबर में, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द नेशन। राजस्थान में जैसा मैंने कहा कि इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अशोक गहलोत ने राजस्थान में सबसे प्रभावशाली माने जाने वाली राजपूत सोसाइटी, या आप कह सकते हैं राजपूत जाति के वोटरों को आकर्षित करने के लिए महाराणा कार्ड खेला है दोस्तों। महाराणा कार्ड क्या है, कहा गया है क्या, वो सुनिए, आपको बताते हैं कि आखिर ये महाराणा कार्ड क्या है। जनसत्ता ने लिखा है कि राजस्थान सीएमओ द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और उस स्टेटमेंट में कहा गया है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड युवा पीढ़ी को महाराणा प्रताप की वीरता से रूबरू करवाएगा। ये बोर्ड कोर्स कंटेंट, विरासत संरक्षण, नए निर्माण, विभिन्न भाषाओं पर रिसर्च, प्रकाशनों का प्रचार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, व्याख्यान, कवि सम्मेलन, ये जितने भी चीज़ें हैं, इसके लिए एक प्लान ये बोर्ड तैयार करने वाला है। राजस्थान का मेवाड़ रीजन दोस्तों, जिसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, आरएसएस के चित्तौड़ प्रांत में आता है ये मेवाड़, ये दशकों से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, कोई नहीं जीत पाया बीजेपी के अलावा। बीजेपी के पहले यहाँ जनसंघ की मौजूदगी थी, जैसा जनसत्ता ने लिखा, साल 2018 में भले ही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हर सीट पर जीत हासिल की हो, लेकिन कांग्रेस को उदयपुर जिले की 8 में से मात्र 2 सीटों पर जीत नसीब हुई थी दोस्तों। बीजेपी यहां बाकी की सीटों को अपने पाले में कर पाने में बिल्कुल कामयाब रही। राजपूत राज्य की जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो 11 से 12% होने का दावा करते हैं जो राज्य में है। मेवाड़ और राज्य के कई अन्य जो दूसरे इलाके हैं दोस्तों, उनकी चुनावी ताकत महसूस की जा सकती है, ये भी जनसत्ता ने लिखा है। साल 2018 में कांग्रेस को मेवाड़ छोड़ हर जगह लाभ हुआ था। तब क्षत्रिय समुदाय जो था दोस्तों, वसुंधरा राजे के खिलाफ बहुत ज़्यादा वो नाराज़ था। राज्य में गैंगस्टर आनंद पाल की पुलिस शूट आउट में मौत हुई थी, उसको लेकर नाराजगी थी। जसवंत सिंह को साइडलाइन किए जाना था। विरोध प्रदर्शन के बावजूद राजपूत नेताओं पर पुलिस केस, इसकी बड़ी वजह में शामिल था। यानी बीजेपी को कुछ वजह से राजपूत वोट जो है दोस्तों, उसकी जो राजपूत वोट है उसके हाथ से चले गए या नुकसान उसको उठाना पड़ा था। हालांकि जैसा इस ये खबर कहती है कि कई सारी ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस को नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा हुआ। तो अब कांग्रेस का प्लान यही नज़र आ रहा है कि वो बीजेपी को मज़ा चखाने के लिए अब उन सीटों पर धावा बोलेगी जिन सीटों पर अभी तक बीजेपी के अलावा कोई भी काबिज नहीं हो पाया है, और उनमें से एक राज्य है मेवाड़ दोस्तों, राजपूतों की भूमि। तो वाकई में देखिए, राजस्थान में चुनाव जो है वो दिलचस्प होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि अभी थोड़े समय पहले सर्वे सामने आया और वो जो सर्वे था, उस सर्वे में सबसे बड़ी बात है कि वो सर्वे न्यूज 18 राजस्थान का सर्वे था जो कि दावा किया गया, और न्यूज 18 राजस्थान के उस सर्वे में बीजेपी को कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, 30 से थोड़ी सी ऊपर, और बाकी जो कांग्रेस है, कांग्रेस 60 से ऊपर सीटें जो है प्रतिशत लाती हुई नजर आ रही है। तो ये एक सर्वे अभी सामने आया है। हालांकि सर्वे आना, जैसा हमने पहले भी कहा था, अभी बाकी है दोस्तों, अभी तो खेल शुरू होना बाकी है। कर्नाटक में जो हुआ उससे बीजेपी सीख ले चुकी है या फिर नहीं, ये तो राजस्थान के चुनाव में ही मालूम होगा। देखिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का चुनाव नहीं है, राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव हो, उससे पहले मध्य प्रदेश में चुनाव हो। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर भी कमलनाथ आप कह लीजिए जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, दिग्विजय सिंह आप कह लीजिए, सबके सब
कांग्रेस को मजबूत करने की जुगत में जो है जुट गए हैं दोस्तों। ऐसे में बहुत ज्यादा इस बात की संभावना जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है, वहीं राजस्थान में तो नुकसान हो ही सकता है। काफी ऐसी संभावना जताई जाती है कि जिस राज्य में जो सरकार है उस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर जो है वो जाग उठती है और लोगों के बीच शिकायत होती है अगर वो सरकार ज़्यादा समय से है तो। लोगों के बीच में ये शिकायत होती है, लोगों को, जनता को शिकायत होती है कि हमारा ये काम पूरा नहीं हुआ, हमारा वो काम पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे में कांग्रेस को ज़मीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी कि जो योजनाएं वो लेकर आए उस योजना का लाभ कितने लोगों को मिला है और कितने लोगों को नहीं। हालांकि इस राज्य में यानी राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं दोस्तों, तो उससे पहले तमाम जितने मीडिया चैनल्स हैं वो राजस्थान पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और अगर राजस्थान पहुँचना शुरू किया गया, धरातल की सच्चाई निकल कर सामने आई, तब तो सारी चीज़ें साफ हो ही जानी है। तो इंतज़ार देखिए इसी बात का किया जा रहा है कि आगे जाकर होता क्या है। आगे जाकर राजस्थान में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ता है या फिर कोई और यहाँ पर पैतरा जो है बीजेपी अपनाएगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मेवाड़ में जो सबसे अहम चेहरा थे उनको बीजेपी ने राज्यपाल बना दिया है, उनके बाद उनकी कमी को भरना यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस उसका फ़ायदा उठाएगी। तो जितनी भी सीटें रिक्त हैं बीजेपी के तरफ से और बीजेपी को उन सीटों पर चेहरा नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, उन सीटों पर कांग्रेस बाजी मारने की पूरी पूरी कोशिश करेगी, जिसकी संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर बात करेंगे बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की, कि मुख्यमंत्री अगर मान लीजिए बीजेपी को सपोर्ट मिलता भी है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या वसुंधरा राजे को चेहरा बनाया जाएगा? क्योंकि थोड़े समय पहले खबरें ये भी आ चुकी है कि वसुंधरा राजे अपनी ही पार्टी से नाराज चल रही हैं और बीजेपी में, भाजपा में कई ऐसे खेमे बट चुके हैं जो कि वसुंधरा राजे के खिलाफ हैं। तो सवाल सीधा सा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी की तरफ से कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा सही ना होने पर कर्नाटक में किस तरीके से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है दोस्तों, ये सबने देखा है, जग जाहिर हो चुका है। ऐसे में राजस्थान में ये गलती दोबारा ना हो, इसका ख्याल क्या बीजेपी रख पाएगी? ये बड़ा सवाल है। वहीं कांग्रेस जो रणनीति अपनाने की सोच रही है, क्या उसकी रणनीति काम आ पाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। दोनों ही सवाल पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।